हेलो नमस्कार साथियों मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपुर पर तो कैसे हैं सभी सभी लोग बताएंगे कमेंट करके एक बार जल्दी से आप लोग आ जाइए सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे और जो भी आपके साथी हैं भाई हैं बंधु हैं मित्र हैं यार हैं उनको भी आप लोग बुला लीजिए ताकि वो भी हमारे साथ आ सकें वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें ठीक है भाई फिर हम लोग क्या है? करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं ठीक है भाई बहुत बढ़िया एकदम शानदार तो एक बार जल्दी से आप लोग आ जाइए सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे और सभी लोग सेशन को क्या कर देंगे शेयर कर देंगे ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में साथी आ सकें ठीक है भाई बहुत बढ़िया गुड इवनिंग सभी को सभी को गुड इवनिंग सभी को राधे राधे सभी को राम राम तो हम लोग क्या करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट हैं कुछ बिंदु हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि पहला पॉइंट यह है कि आप सभी को क्या करना है एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है कहाँ से गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है डाउनलोड करके आपको क्या करना है इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करके आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद एक आपको मेल आई डालनी है और एक अच्छा सा आपको पासवर्ड बनाना है ताकि आपको हमेशा याद रहे और कभी भी आप लोग इस एप्लीकेशन को लॉग कर पाओ ठीक है भाई आसानी से जब ये काम आप लोग करोगे तो आपका इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें आपको क्या मिलेगा जिसमें आपको जॉब अलर्ट मिलेगा क्या मिलेगा जॉब अलर्ट आपके पास मैसेज आ जाएगा क्या जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये आपकी वैकेंसी आ रही है और क्या कहते हैं कि मतलब इसका ये एग्ज़ाम हो रहा है ये आपका वैकेंसी आई है इसमें कब से फॉर्म भरना है कब उसका एग्ज़ाम होगा कब उसके एडमिट कार्ड आएंगे ये पूरी की पूरी जानकारी आपको कहाँ पर मिल जाएगी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी यहाँ पर पे आपको पेड कोर्स का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा ठीक है भाई इसके साथ साथ फ्री पी आपके पर जितने भी चैनल्स हैं जितने भी चैनल्स हैं और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सबकी जो पीडीएफ है आपको कहां पे मिलेगी एप्लीकेशन पर मिलेगी कहां पे एप्लीकेशन पर मिलेगी और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगी अनलिमिटेड क्विजे मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम वाइज और आपके टॉपिक वाइज हर एक चीज की आपको क्या मिल जाएगी फ्री क्विजेज मिल जाएंगी यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनकी भी आपको क्या मिल जाएगी, भाई? मिल जाएगी ताको, आपको एक लग सके कि हमारा जो एग्जाम है टेस्ट के बारे में भी बताया जाएगा तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है कहान पे? पे ठीक है भाई इसके साथ साथ जो साथी तैयारी कर रहे हैं किसकी भाई जो साथी तैयारी कर रहे हैं भाई वीडियो की तैयारी कर रहे हैं आर ओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं या आप जीएस स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो उड़ान बैच के साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग नौकरी के लिए अलग अलग फीचर्स के साथ इसकी क्या रखी गई है फी रखी गई है ठीक है भाई

प्लस किसके लिए रहेगा मेंस के लिए रहेगा, रहेगा ठीक है भाई बहुत ही शानदार बैच है और ये आपको 1999 में मिल जाएगा 50 परसेंट के डिस्काउंट के साथ ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आज आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा सेशन है ये जो हमारा सेशन है किसका है आज आज, आज का जो हमारा सेशन है किसका भाई जीके जीकेजीएस का सेशन है और इसके साथ हम लोग क्या समझेंगे स्टैटिक जीके समझेंगे जो कि हम लोग रोज ही समझते हैं ठीक है भाई तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग जीके जीकेजीएस के और उसके स्टैटिक जीके के क्या पढ़ेंगे मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पे एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम लोग क्या करेंगे चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया कह रहे हैं सर स्टार्ट क्लास कब होगी अरे यार कैसी बातें करते हो तुम क्लास स्टार्ट हो गई है भाई है ना चलो अब स्टार्ट हो गई ये लो ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया है तो इस क्लास को हम लोग कैसे अटेंड करेंगे क्वेश्चन वाइज अटेंड करेंगे आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दें जितने भी साथ ही जुड़े हुए हैं आप सभी लोग क्या करें सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए ठीक है भाई देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है पहला क्वेश्चन इसका आंसर आपको कैसे करना है ये भी आप लोग सारी चीजें समझ लो जैसे क्वेश्चन नंबर एक है तो क्वेश्चन नंबर एक का आपका आंसर ए आ रहा है तो आप लोग वन ए आंसर करेंगे यदि आपका आंसर बी आता है तो आप लोग क्या करेंगे वन बी आंसर करेंगे यदि आपका आंसर सी आता है तो आप लोग क्या करेंगे वन सी आंसर करेंगे

आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था और द्वितीय द्वितीय आपका जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो कब हुआ था और जो आपका अंतिम है वो कब हुआ था अंतिम है वो कब हुआ था तो इन सभी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे चर्चा करेंगे लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका पृथ्वी है जो आपका पृथ्वी है पृथ्वी दिवस हम लोग कम मनाते हैं पृथ्वी दिवस हम लोग कम मनाते हैं ये आपको क्या करना है बताना है चलो जी जल्दी से आप लोग इसका क्या करेंगे आंसर करेंगे तो जो अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये हमारा कब हुआ था ये हमारा हो जाएगा कब आपका ये समथिंग आपका हो जाएगा दो हजार... 12 में हो जाएगा कब हो जाएगा भाई ये 2012 में हुआ था कब हुआ था 2012 में हुआ था और कहां पे हुआ था ये आपका ब्राजील में हुआ था कहां पे ब्राजील ब्राजील में हुआ था ब्राजील देश में हुआ था ब्राजील देश के कहां पे रियो डी जेनेरियो में हुआ था कहां पे रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये भी आपको क्या करना है नोट करना है तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका भाई 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 आंसर आंसर आ जाएगा बी 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 विल द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है भाई? अब हम लोग पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं तो आप कहोगे भाई बाईस अप्रैल को मनाते हैं कब मनाते हैं बाईस अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं पृथ्वी दिवस मनाते हैं क्लियर है भाई बहुत बढ़िया एकदम शानदार एकदम शानदार अब ये देखो यहाँ आप लोग आ जाओ सारी चीजें समझ लो यहाँ आप लोग आ जाओ भाई सारी चीजें समझ लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था प्रथम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था तो आप क्या बताओगे ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है ये आपका कब हुआ था उन्नीस में हुआ था ये कहां पे हुआ था ब्राजील में हुआ था कहां पे ब्राजील में हुआ था इसको कहाजा ट्वेंटी एजेंडा ट्वेंटी वन के नाम से भी जाना करते हैं ये भी आपको क्या करना है नोट करना है ठीक है भाई यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था दूसरा दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था तो आप क्या बताओगे ये आपका भाई दक्षिण अफ्रीका में हुआ था है ना आपका कहाँ पे हो जाएगा भाई ये आपका कहाँ पे हो जाएगा तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं बहुत ही आसानी से कि ये आपका कहाँ पे हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हो जाए जाएगा जो कि कहाँ पे हुआ था दक्षिण अफ्रीका की जोहांस वर्ग में हुआ था कहाँ पे जोहांस वर्ग में हुआ था ठीक है भाई जोहानस वर्ग में हुआ था ये भी आपको नोट करना है और जो आपका अंतिम शिखर सम्मेलन है पृथ्वी का वो कब हुआ था आपका ये आपका 2012 में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका तृतीय हो जाएगा क्या हो जाएगा तृतीय हो जाएगा इनको भी आप लोग नोट कर लो ये प्रथम शिखर सम्मेलन हो जाएगा ये दूसरा शिखर सम्मेलन हो जाएगा पृथ्वी का और ये क्या हो जाएगा तीसरा शिखर सम्मेलन हो जाएगा ये तीनों की तीनों हमसे पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा ठीक है भाई इनको भी आप लोग क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पर्यावरण से रिलेटेड आपके और भी बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं जैसे कि भाई विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है तो आप कहोगे तीन मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है तो इक्कीस मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो बाईस मार्च को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो बाईस अप्रैल को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता डे कब मनाया जाता है तो बाईस मई को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो पांच जून को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो ग्यारह जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताओगे कि तीन अक्टूबर को मनाया जाता है इन पॉइंटों को आप लोग नोट कर लेंगे बहुत ज्यादा ये हमसे पॉइंट पूछे जाते हैं ठीक है भाई श्रेय भारत में किस बढ़िया तो जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई इसका आप लोग क्या करेंगे आंसर करेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है भाई तो इसका आप लोग क्या करेंगे आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई बहुत बढ़िया चलो जी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो ऐसे वो कौन से भाई कही कहीं ना कहीं वैज्ञानिक हो जाएंगे जो कहाँ पे जन्मे थे जो भाई भारत में जन्मे पे भारत में जन्मे हैं ठीक है भाई लेकिन पे रहने लगे स्कॉटलैंड में रहने लगे पे स्कॉटलैंड में रहने लगे स्कॉटलैंड में रहने लगे और कहीं ना कहीं जो इनका जो योगदान है वो किस में रहा ए में रहा किसका ए में रहा जो आप लोग यूज करते हो ना ए उसमें उनका क्या रहा योगदान रहा इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से जानते हैं ठीक है भाई ये भी इसका आप लोग फुल फॉर्म भी नोट कर लेना ये हमसे बहुत पूछा जाता है

स्थापित किया गया था तो इंग्लैंड में कहां पे इंग्लैंड में स्थापित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है तो जो माइक्रोसॉफ्ट है ना ये आपका 2019 में ये आपका 2019 में एक पूरा का पूरा पैकेज आया था जिसका पार्ट कौन सा नहीं है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आउटलुक नहीं है या मन आ,

भाई शासन को लाइक भी तो बनता है ना आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं भाई सारी चीजें चलो जी तो देखो जो आपका 2019 का जो माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज था उसका कौन सा पार्ट नहीं है उसका भाई डी यानी की नोट पार्ट नहीं है तो भाई 2019 का जो माइक्रोसॉफ्ट आया था उसका कौन कौन सा पार्ट थे उसकी ये क्या थे पार्ट थे जैसे हमने बोल दिया भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट आपका एक्सेस आ जाएगा है ना और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आ जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट वन नोट आ जाएगा ये क्या हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट दो की क्या हो जाएंगे मतलब कहीं ना कहीं पार्ट हो जाएंगे ठीक है भाई जो माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए थे और जो आपका 2019 का ये क्या था पैटर्न था है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा रहे हैं नेक्स्ट compact, वेशिका कंपैक्ट वेशिका कंपैक्ट्रेस किस पौधे का रासायनिक नाम है किस पौधे का रासायनिक नाम है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो मक्का का या मटर का या गेहूं का या फिर किसका सरसों का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है हमसे जो पूछे जाते हैं ना वैज्ञानिक नाम वगैरह पौधों के वैज्ञानिक नाम पूछे जाएंगे और जीवों के वैज्ञानिक नाम पूछे जाएंगे तो ये क्या है पौधे का वनस्पतिक नाम पूछा गया, गया है या फिर वैज्ञानिक नाम पूछा गया है ये किसका हो जाएगा सरसों का हो जाएगा किसका हो जाएगा सरसों का हो जाएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आप हमें ये बताओ मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है चने का वैज्ञानिक नाम क्या है आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है जो का वैज्ञानिक

निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो क्या करता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने में क्या करता है सहायता करता है क्या करता है सहायता करता है अब कंप्यूटर को ऑपरेट करने में सहायता कौन करेगा और एंड्रॉइड करेगा और कौन सा करेगा आपका उबंटू करेगा और मिंटू करेगा लेकिन जो टैली है यह एक प्रकार का क्या है यह एक प्रकार की टैली आपकी कहीं ना कहीं यह सिस्टम सिस्टम को कहीं ना कहीं गणित करने में इसको आप लोग एक भाषा भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं भाषा बोल सकते हैं या ये इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं इसको मतलब वर्कशीट बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं वर्कशीट बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं वर्कशीट इस पे हम लोग क्या करते हैं काम करते हैं इस पे टेली पे हम लोग क्या करते हैं काम करते हैं लेकिन ये क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका भाई डी आ जाएगा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई तो दक्ष, आ, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से है 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 क्या है? लुप्त प्रिया है? तो इनमें से पक्षियों की कौन सी प्रजाति हो जाएगी जो क्या है भाई लुप्त प्रिया हो रही है बहुत तेजी से हो रही है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जल्दी से आप लोग बताओ भाई तो कौन सा हो जाएगा ग्रेट इंडियन वर्षर्ड हो जाएगा या कोयल हो जाएगा या मूर हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा कौवा हो जाएगा तो आंसर क्या लगाओगे भाई आप लोग ए लगाओगे बहुत आसान सा क्वेश्चन था हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है ऊष्मा मापी जाती है या आद्रता मापी जाती है या बल मापा जाता है या फिर क्या विकिरण मापा जाता है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है तो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं भाई आप तुरंत बता दोगे की आद्रता मापी जाती है क्या मापी जाती है आद्रता मापी जाती है एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और उसके साथ साथ और भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होता जाए बहुत बढ़िया जिनका आंसर आ रहा है ए जिनका आंसर आंसर आ आ रहा है ए भाई है ए ना तो आंसर क्या आ जाएगा आपका भाई आद्रता क्या आ जाएगा, जाएगा? आद्रता आ जाएगा ये देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई एनीमोमीटर एने, एने, से हम लोग क्या मापते हैं तो हवा की गति मापते हैं जो हवा चलती है ना उसकी जो गति होती है कितनी गति से चल रही है वो किससे मापते हैं एनीमोमीटर से मापते हैं

तो इन पॉइंटों को आप लोग क्या करेंगे भाई नोट करेंगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बहुत ही प्यारा पूछा गया है नेक्स्ट लेड का रासायनिक प्रतीक क्या? प्रतीक क्या है तो देखो ये जो लेड होता है इसको हम लोग किस किससे प्रतीक करते है? पीवी से करते हैं हैं से इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता होता है है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक एटी टू होता है और परमाणु भार कितना होता है दो सौ सात होता है तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका भाई ए आ जाएगा क्या आ जाएगा ए आपका यही क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन आपके आए हैं भाई है ना और यहाँ पे हम लोग

दिशा में, में रेखित होता है जैसे हमने एक चुंबक है उसको मुक्त रूप से लटका दिया तो वह किस दिशा में क्या हो जाता है सर हो जाता है तो आप कहोगे कि मुक्त रूप से लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या हो जाता है सर हो जाता है तो नॉर्थ और साउथ में कहां नॉर्थ और साउथ में क्या हो जाता है सर हो जाता है यदि हमने माना कि ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा एक चुंबक हो जाएगा ये हमारा क्या है चुंबक हो जाएगा इसको हम कहीं पे भी घुमा के छोड़ दें लेकिन जब ये रुकेगा तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही रुकेगा हमेशा किसमें नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही रुकेगा ये भी आपको क्या करना है नोट करना है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे माना कि ये एक क्या है चुंबक है ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है तो इसके एक चुंबक के कितनी पोल होते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताओगे एक चुंबक के दो पोल होते हैं ठीक है भाई सजातीय पोल कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं हमेशा विजातीय है पोल विजातीय का मतलब होता है असमान पोल हमेशा क्या होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चुंबक होता है इससे जो बल रेखाएं होती हैं वो कहां से कहां की ओर निकलती हैं तो हमेशा चुंबक की जो बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर निकलती हैं कैसी निकलती है नॉर्थ से साउथ की ओर निकलती है ये भी आपको क्या करना है नोट करना है और ये आपस में कभी किसी को काटती नहीं है ये बल रेखाएं ठीक है भाई समझ गए बात को एक चुंबक के कितने भी भाग कर दो हमेशा उसमें दो ही पोल मौजूद पाओगे आप लोग हमेशा उसमें दो ही पोल होते पोल होते हैं ठीक है भाई किस जीव का वैज्ञानिक नाम है राना टिक्रीना किस जीव का क्या है वैज्ञानिक नाम है यह भी आपको क्या करना है बताना है राना टिक्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बिल्ली का या एशियाई मेडक का या फिर वाघ का या फिर किसका मनुष्य का तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है भाई आप कहोगे होमोशैपियंस है क्या है भाई होमोशैपियंस है लेकिन जो राना टिक्रीना है ये किसका हो जाएगा एशियाई मेडक का हो जाएगा किसका एशियाई मेडक का हो जाएगा है ना क्या हो जाएगा राना टिक्रीना हो जाएगा क्या हो जाएगा राना टिक्रीना हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वहां हमसे पूछ लिया गया भाई वहां हमसे पौधों का रासायनिक नाम नाम पौधों का नाम पूछ लिया गया या वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया यहां से हमसे जीवों का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका भाई बी आ जाएगा क्या आ जाएगा बी आंसर ऑफ एकदम शानदार यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताओ मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताओ तो आप बता दोगे भाई साहब क्या हो जाएगा मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा कुत्ते का वैज्ञानिक नाम बिल्ली का वैज्ञानिक नाम मनुष्य का वैज्ञानिक नाम गाय का वैज्ञानिक नाम और भेड़िया का वैज्ञानिक नाम बहुत सारी चीजें क्या है आसान है, है ना इसीलिए इनको हम क्या करवा रहे हैं जल्दी जल्दी से करवा रहे हैं क्वेश्चन एक रहेगा और उससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम जितने भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं जितने भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हम क्या करके चलेंगे कवर करके चलेंगे बस कुछ मेहनत आपको भी करनी है कुछ मेहनत आपको भी करनी है क्लियर भाई बहुत बढ़िया कह रहा जूम कर दो ये नहीं दिख रहा है भाई साहब कैसा पागल सा है लड़का राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है ये आपको क्या करना है आंसर करना है जल्दी से आप लोग बताओ विशाखापट्टनम में या मैंगलोर में हो जाएगा या चेन्नई में हो जाएगा या फिर कहां पे हो जाएगा आपका गोवा में हो जाएगा तो राष्ट्रीय समुद्री विकास संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है यह आपका कहां पे हो जाएगा गोवा में स्थित है कहां पे गोवा में स्थित है तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा और ये हमारा क्या है भारत का सबसे छोटा राज्य है ये हमारा भारत का क्या है सबसे छोटा राज्य है और ये जो गोवा है आपका कब आजाद होता है तो आप तुरंत बता दोगे कि 19 दिसंबर 1961 में क्या होता है आजाद होता है और भारत का ये क्या हो जाएगा पच्चीसवां राज्य है भारत का पच्चीसवा राज्य है लेकिन इसका गठन किया गया था 30 मई 1987 में इसका गठन किया गया था सही आंसर क्या आ जाएगा भाई डी आ जाएगा और ये वही राज्य है जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है किसके मांडवी नदी के किनारे स्थित है ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं ये आपके संस्थान हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा स्थान हो जाएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहां पे है तो आप बताओगे केरल में है कहां पे है केरल में है भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहां पे है लखनऊ में है कहां पे लखनऊ में है ठीक है भाई और भारतीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पे है तो ये भी आपका कहाँ पे लखनऊ में मिल जाएगा तो कुछ चीजें हैं आपकी जो आपको नोट करनी है इनको ठीक है भाई बहुत 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 बढ़िया 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 सेशन को थोड़ा सा आप लोग शेयर करते जाओ बहुत राम जी जी रुचिका एकदम शानदार सारांश जी है ना रागिनी यादव बहुत बढ़िया एकदम शानदार चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग डीआईडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करने वाली है हवा से हवा में समझ रहे ना जैसे तुम कहते हैं ना भाई साहब

जिनका भी आंसर आ रहा है डी डी इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है भाई समझ गए यदि आपसे ओ का हिंदी में नाम पूछ ले तो आप लोग क्या बताओगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन क्या हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन क्या हो जाएगा इसका हिंदी में नाम हो जाएगा ठीक है भाई और इंग्लिश में क्या हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं अब देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डी के द्वारा विकसित की गई जो मिसाइलें हैं उनमें से कौन सी हवा से हवा में मार करती है कौन सी सतह से हवा

डी आ जाएगा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा आगे बढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे अब यहां ये क्वेश्चन सबका गलत हो जाएगा भाई सबका सबका जिसने पढ़ी नहीं होगी वो वो चीजें गलत हो जाएगा बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार रागिनी जी बहुत बढ़िया मलिन जी सारांश जी एकदम शानदार एकदम शानदार एम एम आर हैकर जी बहुत बढ़िया चलो जी हम लोग समझते हैं सारी चीजों को तो देखो कहीं ना कहीं हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह हमारी भारत की क्या है सबसे बड़ी पार्टी थी और इसकी स्थापना हुई थी कब 28 दिसंबर को कब 28 दिसंबर अठारह में इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी कहां पे बंबई के ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तो टोटल कितने बहत्तर लोग थे और इन बहत्तर लोगों में सबसे बुरा व्यक्ति कौन था इन बहत्तर लोगों में सबसे बुरा व्यक्ति था कौन है डब्ल्यूसी बनर्जी यानी ब्यूमेश चंद बनर्जी तो इसी ब्यूमेश चंद बनर्जी को क्या बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था यह भी आपको क्या करना है बाबू नोट करना है ठीक है भाई अब जो व्यूमेश चंद्र बनर्जी है ये क्या हो जाएंगे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे तो इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे इन्हीं को हम लोग कहेंगे संस्थापक अध्यक्ष के नाम से जानेंगे किस नाम से संस्थापक अध्यक्ष के नाम से जानेंगे तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि भाई भारत इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भाई संस्थापक कौन है संस्थापक संस्थापक कौन है तो आप क्या बताते आप बताते एओ

निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी ऐसी कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका है इनमें से जो विदेश में नहीं प्रकाशित हुई थी भारत में प्रकाशित हुई थी कहां पे भारत में ही प्रकाशित हुई थी तो देखो जो आपकी तलवार है ये तो आपकी विदेश में प्रकाशित हुई थी जो इंडियन आपकी सोशलिस्ट है ये भी विदेश में आपका प्रकाशित हुई थी है ना और जो फ्री हिंदुस्तान जो आपका जो तलवार है ये कहीं ना कहीं आपकी कहां पर जर्मनी में प्रकाशित होती है विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी तो कौन नहीं हुई थी युगांतर नहीं हुई थी कौन सी युगांतर पत्रिका आपकी भारत में ही प्रकाशित की गई थी ये भी आपको क्या करना है नोट करना है ठीक है भाई आंसर क्या लगाओगे आप लोग युगांतर लगाओगे अब युगांतर जो पत्रिका है ये इसको किस किसने प्रकाशित किया किया था तो आप बताओगे वरेंद्र ने किसने वरेंद्र वरेंद्र ने वरेंद्र ने

इसको 1602 में बनवाया गया था कब 1602 में बनवाया गया था इसको किसकी विजय पर बनवाया गया था पर। तो गुजरात हुई थी? लग लग आपका में हुई थी और ये किसने जीता था अकबर ने जीता था किसने अकबर ने अकबर अकबर ने ये बनवाया था तो अकबर की गुजरात विजय जब हुई थी तो गुजरात में किस राजा को हराया था मुजफ्फर शाह थर्ड को हराया था किसको मुजफ्फर साहिब मुजफ्फर शाह थर्ड को हराया था मुजफ्फर शाह थर्ड को हराया था यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर ने गुजरात विजय में किस राजा को हराया था तो मुजफ्फर शाह थर्ड को हराया था और जब गुजरात विजय हुई थी तो उसकी खुशी के चक्कर में अकबर ने क्या करवाया था 1602 में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था कहां पे फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी में क्या है अकबर महल है क्या है और मरियम उज्जवानी की कोठी भी है यहाँ पे पंचमहल भी है और इसका इसकी स्थापना कब हुई थी तो पंद्रह सो इकहत्तर में क्या हुई थी फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी पंद्रह सो इकहत्तर में और इसको पंद्रह सो बहत्तर में पंद्रह सो बहत्तर में क्या बनाया था फतेहपुर सीकरी को कैपिटल भी बनाया था क्या बनाया था कैपिटल भी बनाया था यह भी आपको नोट करना है आंसर क्या आ जाएगा आपका डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार

पूछे जाते हैं यही हमसे बार-बार पूछे जाते हैं ठीक है भाई नोट कर लो स्क्रीनशॉट ले लो निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है है ना ये भी आपको पढ़ना है कि लास्ट में क्या नहीं तो नहीं दिया है है ना इस नहीं को बहुत आसानी से आपको पढ़ना है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना गुजरात विजय जी बिल्कुल रागनी यादव बहुत बढ़िया सारांश है ना चलो जी आगे समझते हैं हम लोग देखो तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई जिसको भारतीय अनुसूची में दर्जा नहीं दिया गया है है ना तो वो हो जाएगी कौन सी गढ़वाली भाषा हो जाएगी कौन सी गढ़वाली भाषा और ये कहीं ना कहीं आपकी कहाँ पे बोली जाती है उत्तराखंड में उत्तराखंड में बोली जाती है ये भी आपको क्या करना है नोट करना है ठीक है भाई अब हम लोग बात करते हैं आगे अब हम लोग बात करते हैं आगे जो डोगरी है नेपाली है और जो आपकी मैथिली है ये भाषाएं हमारे भारत के संविधान में है तो क्वेश्चन पूछा जाए हमारे भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो चौदह भाषाएं थीं और ये जो भाषाएं हैं ये किस अनुसूची में है किस अनुसूची में है किस अनुसूची में है तो आप कहोगे भाई आठवीं अनुसूची में क्या है भारतीय भाषाओं का वर्णन दिया गया है मूल संविधान में चौदह भाषाएं थी लेकिन वर्तमान में कितनी है वर्तमान में कितनी है तो आप कहोगे वर्तमान में है बाबू कितनी भाई 22 भाषाएं हैं तो कितनी भाषाओं को जोड़ा गया आठ भाषाओं को और जोड़ दिया गया कितनी आठ भाषाओं को और जोड़ा गया अब ये आठ भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई तो सबसे पहली भाषा जोड़ी गई थी कौन सी सिंधी जोड़ी गई थी कौन सी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन <स्तिक्षीशन> अमेंडमेंट <तों> <प्रतियों> के द्वारा जोड़ी गई थी उन्नीस में उन्नीस में हुआ था इक्कीसवा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और उसके द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी जो की महाराष्ट्र में बोली जाती है कहां पे महाराष्ट्र में बोली जाती है फिर उसके बाद कौन सी भाषा जोड़ी गई उसके बाद आपका नमक जोड़ा गया नमक नमक जोड़ा गया इसका क्या मतलब हो जाएगा ना से हो जाएगा नेपाली मां से हो जाएगा मणिपुरी और का से हो जाएगा कोंकणी इन तीन भाषाओं को कब जोड़ा गया तो आप बताओगे 1992 में जोड़ा गया था और 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1992 में हमने इन तीन भाषाओं को जोड़ा था तो देखो चार भाषाएं ये हो गई और चार भाषाओं को और जोड़ दिया हमने कौन सी बोडमास को बोर्ड मास बोर्ड मास इन भाषाओं को भी जोड़ दिया कब जोड़ दिया 2003 में जोड़ दिया और कौन सा 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था आपका 2003 में और इन इस 2003 के अमेंडमेंट में हमने कितनी चार भाषाओं को जोड़ा बो हो जाएगा बोडो ड हो जाएगा डोंगरी

बहुत बढ़िया ये सभी पॉइंट आपको क्या करने हैं नोट करने हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था निम्नलिखित में से कौन सा

व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह के भी कहीं ना कहीं ये क्या रहे थे मूल नायक रहे थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका 1940 में चला था ये भी आपको नोट करना है और विनोबा भावे ने उन्नीस में क्या चलाया था भूदान आंदोलन भी चलाया था क्या चलाया था भूदान

अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था तो तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो मौलाना ने या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने या चौधरी खली उजमा ने या फिर हकीम अजमल खान ने या फिर किसने हकीम अजमल खान ने तो जो हिलाल आपका जो पत्र है ये आपका कब जारी किया गया था ये 1912 में कब 1912 में आपका क्या हुआ था प्रकाशित हुआ था और ये कहां पे कलकत्ता में कहां पे कलकत्ता ये कलकत्ता में क्या हुआ था प्रकाशित हुआ था और यह किस लिए प्रकाशित हुआ था इसका उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय, समुदाय को जोड़ना किसको मुस्लिम मुस्लिम समुदाय को जोड़ना समुदाय को मुस्लिम समुदाय को जोड़ना यानी मुस्लिम समुदाय में राष्ट्रीयता की भावना करना राष्ट्रीयता की भावना को मतलब बढ़ाना है ना उसके लिए क्या किया गया था ये आपका पत्र जारी किया गया था और कब आपका 1912 में किसने चलवाया था ये तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किसने मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चलवाया था मौलाना अबुल कलाम क्या हो जाएंगे एक ऐसे नेता हो जाएंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक क्या रहे अध्यक्ष रहे और ये उन्नीस से लेकर उन्नीस तक क्या रहे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे ये भी आपको नोट करना है तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका भाई बी आ जाएगा क्या आ जाएगा बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कब हुआ था इनकी मृत्यु कब हुई थी ये आपके नॉर्मल एग्जाम में नहीं आती है लेकिन जब आप लोग आई लेवल का एग्जाम दोगे है ना और यूपीएससी वगैरह का एग्जाम दोगे ना तो उसमें ये इनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछ ली जाती है हमसे ठीक है भाई तो आगे बढ़ते हैं भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में

माला वार तट पर स्थित है ठीक है भाई केरल और इसी को कहा जाता है केरल को क्या कहा जाता है केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा केरल में जो स्थित कोच्चि है उसको कहा जाता है अरब सागर की रानी कहा जाता है क्या कहा जाता है अरब सागर की रानी कहा जाता है वेल्डन तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है भाई आंसर आप लोग क्या लगाओगे बाबू सी लगाओगे क्या लगाओगे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सार्क का विस्तृत रूप क्या है इंग्लिश नेम हमसे पूछा गया है इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप कहोगे उन्नीस में इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा काठमांडू में काठमांडू में क्या हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और ये काठमांडू कहां पर पड़ता है आपका तो नेपाल में पड़ता है कहां पे पड़ता है नेपाल में पड़ता है ठीक है 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 भाई ये भी आपको नोट करना है। और नेपाल की काठमांडू क्या है? कैपिटल है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन आंसर क्या लगाओगे आप लोग बी लगाओगे क्या लगाओगे बी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा है ना आंसर क्या जाएगा आ जाएगा आपका बी आ जाएगा एकदम शानदार आप कहोगे इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो आठ है इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है आठ है अब कौन कौन से इसके सदस्य देश है तो अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीप नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका ये क्या हो जाएंगे आठ इसके सदस्य देश हो जाएंगे तो इसका सदस्य देशों से से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश सार्क का है या निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश सार्क का नहीं है ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है।, है ना बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं ये हमसे भी आगे बढ़ते हैं एक्सपोर्ट इनपोर्ट एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की कि स्थापना किस स्थान कब कब की 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 गई गई थी थी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एक्सपोर्ट बैंक स्थापना की थी? तो ये क्या हो जाएगा? Export, Import, हो जाएगा जाएगा एक्सपोर्ट बैंक इसकी स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है 1955 में क्या किया गया था की की स्थापना की गई थी किसकी, की 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 किसकी? की की इलाहाबाद इलाहा बैंक की स्थापना की गई थी ये भी आपको नोट करना है तो उन्नीस में क्या किया गया था एक्जिम बैंक की स्थापना की है तो आप कहोगे को हम लोग अभी वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं किस नाम से मुंबई के मुंबई के नाम से जानते हैं तो बंबई से मुंबई कब हो गया था ये हो गया था उन्नीस में हो गया था कब उन्नीस में हो गया था इज क्लियर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हो 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 जाएगा क्या हो जाएगा जाएगा क्या भाई 1982 हो जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया एकदम शानदार आंसर क्या लगाओगे आप लोग डी लगाओगे नेक्स्ट प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है है ना तो जो आपकी प्रतिभा प्रहलाद है ये कौन सा डांस से संबंधित है ये किस डांस से संबंधित है भरतनाट्यम कथकली कर्था कथक या फिर ओडिशी ओडिशी डांस कहां पे होता है ओडिशी में होता है कथक डांस कहां पे होता है आपका ये यूपी में होता है कहां पे यूपी में होता है और ये आपका उत्तर भारत में भी होता है कहां पे उत्तर भारत में भी होता है ये भी आपको नोट करना है यूपी में आपका कौन सा रास लीला डांस भी होता है रास लीला डांस भी होता है रास लीला डांस भी होता है यूपी में आपका नौटंकी भी होता है कौन सा नौटंकी नौटंकी डांस भी होता है ये आपको नोट करना है ठीक है भाई तो कथाकली कहाँ का है ये आपका केरल का है कहाँ का है केरल का डांस हो जाएगा ठीक है भाई और केरल में एक और होता है कौन सा मोहनी अट्टम डांस कौन सा मोहनी अट्टम डांस होता है कौन सा होता है मोहनी अट्टम डांस भी होता है ये भी आपको याद रखना है ठीक है भाई लेकिन जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का है ये आपका तमिलनाडु का है कहाँ का तमिलनाडु का डांस है और ये जो आपकी नृत्यांगना है ये कहा की हो जाएंगी ये भरतनाट्यम डांस की बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध नृत्यांगना है आंसर क्या लगाओगे आप लोग ए लगाओगे क्या लगाओगे ए बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और हमने आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दी थी कि कौन सा व्यक्ति किस डांस से संबंधित है इसकी हमने आपको पीडीएफ दी थी और कहा था स्क्रीन ले लो देखो आ रहे क्वेश्चन के नहीं आ रहे आ रहे बाबू बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से संबंधित यहाँ से संबंधित आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई ठीक है ये देखो ये आपका बिहार हो जाएगा बिहार में कौन कौन सा डांस होता है जाट जटनी हरियाणा में कौन कौन से डांस होते हैं तो आपका फाग वगैरह डाफ वगैरह धमाल वगैरह ये कहां पे हरियाणा में डांस होते हैं ठीक है भाई कहां पे हरियाणा में डांस होता है हिमाचल प्रदेश में कौन सा डांस होता है पश्चिम बंगाल में कौन सा डांस होता है उत्तराखंड में कौन से डांस होते हैं गोवा में झारखंड में है ना और मणिपुर में मेघालय में में नागालैंड में त्रिपुरा में सक्केम में और लक्षद्वीप में ये आपकी कुछ राज्य हो जाएंगे और लास्ट में आपका लक्षद्वीप भी है तो कहीं ना कहीं कहां पे कौन सा डांस होता है हमने यहाँ पे लिख कर दे दिया ठीक है भाई अब आप कहोगे सर ऐसे तो हम कैसे पढ़ेंगे भाई आपको पढ़ना पड़ेगा नॉर्मल आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है भाई और जब आपकी स्पेशल क्लास होती है तो उसमें हर एक चीज बताया जाता है कि झूमर में कैसे डांस होता है कौन डांस करता है कौन नहीं करता है लेकिन ये आपकी रिवीजन क्लास चल रही है तो इसमें आपको इतना बताया जाएगा कि भाई आपका कौन सा डांस किस राज्य में होता है ठीक है भाई बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम शानदार आगे बढ़ते हैं तो इसका आप लोग क्या ले लो स्क्रीन ले लो नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है तो राजेंद्र लहड़ी या आपका ज्ञानेंद्रनाथ वसु या आपका वरेंद्रनाथ घोष या फिर कौन हो जाएंगे जतेंद्र नाथ वनर्जी

1927 में इनको गोंडा जेल में फांसी की सजा दी गई थी तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग ए लगा दोगे क्या लगा दोगे ए बहुत बढ़िया वेल well डन एकदम शानदार एकदम शानदार भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है यह भारतीय रिजर्व बैंक का क्या हो जाएगा लोगो हो जाएगा जिसमें क्या है पाम का पेड़ बना हुआ है या इसको हम लोग ताड़ का पेड़ भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ताड़ का पेड़ भी बोलते हैं है ना इसकी जो भारतीय रिजर्व बैंक ये हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा इसकी स्थापना हुई थी एक अप्रैल एक अप्रैल उन्नीस में क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी किस एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी तो एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी किस समिति के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी किस समिति के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी तो यंग हिल्टन आयोग के द्वारा यंग हिल्टन यंग हिल्टन आयोग यंग हिल्टन आयोग के द्वारा क्या की गई थी इसकी स्थापना इस की गई थी है ना फिर जब इसकी स्थापना होती थी उसका हेड क्वार्टर कहां पे बनाया जाता है इसका हेड बनाया जाता है कहां पे कलकत्ता में बनाया जाता है कलकत्ता में

सी आ जाएगा क्या आ जाएगा सी आ जाएगा एकदम शानदार एकदम शानदार हाँ जी एक जनवरी 1949 में क्या हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था किसका भारतीय रिजर्व बैंक का आगे बढ़ते हैं इसके पहले अध्यक्ष थे सर ओसबोर्न स्मिथ इसकी क्या थी पहले अध्यक्ष थे पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे तो आप कहोगे सीडी देशमुख थे मुद्रा राक्षस जो आपका नाटक है ये किसने लिखा है मुद्रा राक्षस जो नाटक है ये किसने लिखा है ये जो मुद्रा राक्षा से इसमें किसका वर्णन किया गया है इसमें किसका वर्णन किया गया है तो आप कहोगे इसमें वर्णन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का किसका चंद्रगुप्त मौर्य का क्या किया गया है वर्णन किया गया है इसमें किसका वर्णन किया गया है इसमें वर्णन किया गया है किसका घनानंद का वर्णन किया गया है घनानंद का वर्णन किया गया है यह भी आपको क्या करना है नोट करना है और जो मुद्रा राष्टा से ये किसने लिखा है विशाख दत्त ने लिखा है किसने विशाख दत्त ने लिखा है जो सोमदेव है इन्होंने क्या लिखा है कथा सरित सागर क्या लिखा है कथा सरित सागर इन्होंने क्या लिखा है कथा सरित सागर क्या लिखा है, भाई ने कौन सी लिखी है? कथा सागर लिखी है आपसे आप क्वेश्चन लिखा, लिखा, लिखा है और क्या लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है और क्या लिखा है कुमार कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी है आंसर क्या जाएगा आपका विशाक दत्त आ जाएगा बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या लगाओगे बी लगाओगे अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है पाणनी है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है चाणक्य है इंडिका के लेखक कौन है मेघस्तनीज है मेघदूत के लेखक कौन है कालिदास है मालती माघव के लेखक कौन है भवभूति है कौन है भवभूति है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है कालिदास है तो के लेखक कौन है नारायण पंडित हैं मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है भाई है। के कौन है? है और राज तरंगणी के लेखक कौन है कल्याण है ये वो किताबें हैं जो हमसे पूछी जानी है ये वो किताबें हैं जो हमसे बहुत ज्यादा पूछी जानी है इनको आप लोग एक जगह क्या कर लो नोट कर लो आगे बढ़ते हैं भारत की इनमें से भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व

महानदी भी नहीं है तो राइट आंसर क्या जाएगा नर्मदा आ जाएगा क्या जाएगा नर्मदा इसी को क्या कहा जाता है एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है जीवन रेखा कहा जाता है यह भी आपको क्या करना है नोट करना है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी तो आप कहोगे 1312 किलोमीटर 1312 किलोमीटर क्या हो जाएगी इसकी लेंथ हो जाएगी ये कहां से निकलती है तो अमरकंटक से निकलती है अमरकंटक से निकलती है यह भी आपको नोट करना है अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी जिसका क्या नाम है सोन नदी सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका भाई सी आ जाएगा

चलो आप लोग नर्मदा को ही समझ लो नर्मदा नर्मदा नदी नर्मदा नदी इसका उद्गम स्थल क्या है तो अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है ये कहां पे गिर जाती है खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है वही अरब सागर खबाद की खाड़ी ठीक है भाई इसकी लंबाई कितनी है तो तेरह सो बारह किलोमीटर इसकी लंबाई है इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है तो जबलपुर इसके किनारे शहर बसा हुआ है और इस पर कौन सा जलप्रपात है तो धुआंधार जलप्रपात है कौन सा धुआंधार धुआंधार है ना धुआं धार क्या है इस पर जलप्रपात है ये भी आपको क्या करना है नोट करना है ठीक है भाई तो ये आपकी नदियां हो जाएंगी और ये क्या हो जाएगा प्रारंभिक स्थान हो जाएगा उनकी लंबाई भी दी गई है सारी चीजें दी गई है ठीक है भाई इससे अच्छा और क्या चाहिए एक नदी हमने आपको बता दी यदि तुम्हारे अंदर सीखने की भूख है यदि तुम्हारे अंदर सीखने की भूख है तो सारी नदियों को नोट कर लो और सारी नदियों के बारे में भाई साहब सीख लो ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो देखो चुनाव आयुक्त क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि जो आपका चुनाव आयुक्त तो है सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चुनाव आयोग चुनाव आयोग चुनाव आयोग भाई चुनाव आयोग होगा तभी तो इसका अध्यक्ष बनेगा तभी तो इसका चुनाव आयुक्त बनेगा ठीक है भाई ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुनाव चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी तो आप कहोगे 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की क्या होती है स्थापना होती है ये भी आपको नोट करना है ठीक है भाई इसका पहले अध्यक्ष कौन होता है पहला अध्यक्ष इसका पहले अध्यक्ष होता है सुकुमार सेन कौन होता है सुकुमार सेन होता है कौन होता है सुकुमार सेन क्या होता है इसका पहला अध्यक्ष हो जाएगा तो सही उत्तर क्या लगाओगे आप लोग भाई ए लगाओगे क्या लगाओगे ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा क्लियर क्लियर है दैट इज़ जो सुकुमार सेन है, ये आपके 1951 से लेकर और उन्नीस रहेंगे बावन तक रहेंगे कब तक रहेंगे? 1951 से लेकर 1952 तक क्या रहेंगे अध्यक्ष रहेंगे ये भी आपको क्या करना है पॉइंट नोट करना है ठीक है भाई लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है कार्यकाल कितना होता है तो आप कहोगे उसका कार्यकाल होता है या तो वो छह वर्ष पूरे कर ले या फिर वो आप क्या कर ले पैंसठ वर्ष पूरे कर ले या तो वो छह वर्ष पूरे कर ले या फिर वो पैंसठ वर्ष पूरे कर ले इसकी नियुक्ति कौन करता है तो भारत का राष्ट्रपति करता है कौन करता है भारत का राष्ट्रपति करता है ये भी आपको नोट करना है क्वेश्चन पूछा जाएगा चुनाव आयोग के जो अन्य सदस्य होते हैं अन्य सदस्य अन्य सदस्य होते हैं सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है तो वो भी भारत का राष्ट्रपति करता है लेकिन इनका कार्यकाल कितना होता है या तो वो छह वर्ष पूरा कर लें, या तो वो बासठ वर्ष पूरा कर लें। ये इनका क्या होता है कार्यकाल होता है ये भी आपको क्या करना है नोट करना है ठीक है भाई तो भाई पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे शिव कुमार सेन हो जाएंगे आंसर क्या लगाओगे आप लोग ए लगाओगे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग

राजीव कुमार राजीव कुमार क्या हो जाएंगे चुनाव आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे और इनको कब बनाया गया था इनको मई 2022 में बनाया गया था कब अभी अभी मई 2022 में इनकी क्या हुई है नियुक्ति हुई है 25 दिसंबर 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी इसलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदान दिवस राष्ट्रीय मतदान दिवस भी मनाते हैं आंसर क्या लगाओगे ए लगाओगे क्या लगाओगे आंसर ए लगाओगे बहुत बढ़िया एकदम शानदार

सेशन कैसा लगा ये भी आपको बताना है कमेंट जरूर करना है ठीक है भाई हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे बाबू ठीक है तो लास्ट में सभी साथियों को फिर से एक बार जय हिंद हमें कलम से क्रांति जय जैगजामपुर कर्ब एग्जामपुर जै